हाय व्यूवर्स, आपकी अपनी चैनल टेक एक्सप्लोजर में आपका स्वागत है। हमने थंबनेल पढ़ा हुआ 35 का रिचार्ज। 35 का रिचार्ज क्या है गाइस? ये ऐसा कुछ है कि जियो के आने से पहले हमारा महीना आइडिया एयरटेल वोडाफोन में रेगुलर रिचार्ज यूज़ करते थे हम। डेटा भी पहले यूज़ करते थे, जब से जियो आया है तब से हमने इनको यूज़ करना बंद कर दिया। हम इनको खाली इनकमिंग कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तब ये कंपनियाँ क्या चाहती है कि हम किसी को भी फ्री में सर्विस ना दें, क्योंकि लोगों ने अभी तक हमको फ्री में ही सर्विस दी है 3 साल जियो के आने के बाद भी इनकमिंग कॉलिंग की। अब ये कंपनियों ने तय किया थी इन्होंने मिलकर कि हम किसी को भी फ्री में सर्विस इनकमिंग की नहीं देंगे। इन्होंने गवर्नमेंट ट्राई से अप्रूवल ले लिया है कि हम किसी को भी फ्री में सर्विस देना नहीं चाहते। इसके लिए हम हर महीने 35 का रिचार्ज निकाला है। अगर कोई हमारा सिम यूज़ करता है हर महीने 35 रुपीज़ देना होगा। अब इससे आप बचना चाहते हो तब अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवा सकते हो गाइस। जी गाइस, BSNL में हर महीने कोई 35 का रिचार्ज नहीं। अगर आप BSNL में नंबर पोर्ट करवा दो तो आपको हर महीने 35 देना नहीं पड़ेगा। जियो के आने से इनका डेटा बैलेंस भी लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है और कॉलिंग को भी यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि जियो हर सर्विस फ्री में दे रहा है। अब BSNL भी कुछ इस तरह है कि आप जियो तो यूज़ करो, अपना नंबर बचाना चाहते हो आइडिया एयरटेल वाला फोन, तो आप BSNL में पोर्ट करवा के हर महीने 35 के रिचार्ज से बच सकते हो। कि आपको हर महीने 35 का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा और आपका नंबर भी सेफ रहेगा, आप जियो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप BSNL में पोर्ट करवा नहीं चाहते तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख सकते हो। जो BSNL यूज़ करना नहीं चाहते तो आपको पता चल जाएगा। कैसे आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना भी ना भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।